आतंकी हमले में शहीद जवान महेश कुमार यादव का पार्थिव शरीर शनिवार को गांव पहुंचा। शहीद को आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का तांता लगा रहा। वहीं महेश के पिता ने कहा कि जब तक उनके बेटे महेश के दोनों बेटे की जिम्मेदारी सरकार नहीं लेगी, तब तक महेश का अंतिम संस्कार नहीं होगा। शहीद महेश कुमार के पिताजी हमारे साथ हैं, हम उनसे पूछेंगे आज उनकी क्या मांगे हैं, आपके क्या चाहते हैं? हमें हमारे बेटे के लिए जो दो उसके दो बेटे हैं समर समीर, उनको एक इंटर कॉलेज खुलवा दीजिए और एक पेट्रोल पंप, हमारी यही सरकार योगी से मांग है। क्या अभी तक भारतीय जनता पार्टी के जो जिन्होंने कोई मंत्री यहाँ आया कि वो सब कुछ भी नहीं बोल के गए, ना हमें कुछ दिए, कोई आश्वासन भी नहीं मिला, ना लिखित मिला है। लिखित प्रमाण पत्र चाहिए कि हाँ हमें आशा हो जाए कि हाँ मिलेगा हमको, मेरे बच्चे दो महीने मेरे बच्चों का भविष्य छह महीने में उज्ज्वल हो, मिलना चाहिए हमें, वो लिख के दे दें वही बात। समाजवादी पार्टी पूरा इस दुख में महेश कुमार यादव के परिवार के साथ में है और निश्चित ही सरकार के भी साथ में समाजवादी पार्टी है। ऐसी जो बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है शहीदों के साथ, समाजवादी पार्टी और सरकार के साथ में है और निश्चित ही अभी तक यह बहुत ही दुखद है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शहीद के घर, ये शहीद के पिता हैं, शहीद के घर पर भी कोई नहीं आया और निश्चित ही जगह जगह 40 शहीद हुए हैं, तमाम सरकारें जो हैं उनको नगद चेक दे रही हैं। तो यहाँ पर अगर सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ पर अभी तक नहीं आया। ये शहीद के पिताजी हैं, ये मांग कर रहे हैं कि शहीद को जो है, जो भाई हमारी समाजवादी पार्टी सरकार में 50 लाख 25 लाख रुपया दिया जाता था शहीद को सौ उठने के पहले, तो अभी तक यहाँ पर कोई सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ आया नहीं और कुछ मदद करने की तो बात छोड़ दीजिए। निश्चित ही यह परिवार को दुख है, दुखित परिवार को यह दुख है कि सरकार की तरफ से कोई अभी तक आया नहीं है। मुख्यमंत्री भी हैं और कई कैबिनेट मंत्री हैं, यह बहुत दुख की बात है कि यहाँ पर जो है गंगा स्नान करने के लिए मुख्यमंत्री जी कई बार आए, कई कैबिनेट मंत्री आए, कई केंद्रीय मंत्री आए, लेकिन एक शहीद के घर पर उत्तर प्रदेश सरकार का कोई नुमाइंदा, कोई मंत्री, कोई कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री नहीं आए, जबकि वो इलाहाबाद में है। उनको आज आना ही पड़ेगा, आना ही चाहिए, नहीं जाने देंगे शहीद पार्थिव शरीर, हाँ नहीं जाने दूंगा। देखिए ये महेश यादव के पिता थे जिन्होंने, जिनकी मांग है कि आज जब मुख्यमंत्री और उपराष्ट्रपति प्रयागराज कुंभ मेले में आए हुए हैं और उससे 50 किलोमीटर दूर पे ही शहीद महेश कुमार यादव का गांव है, वहां पे नहीं आएगा, अगर जब तक मुख्यमंत्री जी नहीं आएंगे तब तक शहीद की ये पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए नहीं उठेगा। ईटीवी भारत से सुमित यादव, प्रयागराज।